ग्रीसी करते हैं, सेफ्टी का इंटरेक्शन करते हैं, ये तो हमारा 24 आवर्स है। जैसे ट्रेन 24 घंटे चलती है, हमारी सेफ्टी भी 24 घंटे चलती है। आजकल तो लोको पायलट भी के साथ में हम लोगों के इंस्पेक्टर जाते हैं, पॉइंट्समैन दिन रात काम करते हैं, स्टेशन मास्टर दिन रात काम करते हैं, जो भी काम कर रहा है वो सब सेफ्टी से ही संबंधित है और उनके ऊपर हम लोग निरीक्षण भी करते रहते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने किया मंडल का निरीक्षण। चित्तौड़गढ़ से अजमेर सेक्शन के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी रहे जीएम के साथ मौजूद। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा मंगलवार को वार्षिक निरीक्षण पर अजमेर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ अजमेर खंड का निरीक्षण करने के दौरान उनके साथ अजमेर उत्तर पश्चिम रेलवे के समस्त अधिकारी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के नजदीक स्थित स्टेशन डेड से अजमेर खंड का वार्षिक निरीक्षण शुरू किया। महाप्रबंधक निरीक्षण के अंतर्गत यात्री सुरक्षा व सुविधाओं को बढ़ाने हेतु किए गए कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की गई। साथ ही डेट अजमेर खंड पर स्थित स्टेशनों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक शर्मा ने इस खंड के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों की व्यवस्थाओं, रेल फाटकों, बड़े व छोटे पुल आदि का जायजा भी लिया। महाप्रबंधक के वार्षिक निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अजमेर नवीन कुमार परशुराम का सहित मुख्यालय के प्रमुख विभागों के विभाग अध्यक्ष व मंडल के शाखा अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए वार्षिक निरीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। उन्होंने वर्तमान में संचालित किए जा रहे मेगा सुरक्षा अभियान के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाने का भी उल्लेख किया। शर्मा ने कहा कि संरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए रेल खंडों पर सतत निगरानी के साथ साथ रेल पथ कार्यों की मॉनिटरिंग सुचारू रूप से करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज जो है सवेरे से निरीक्षण किया चित्तौड़गढ़ से अजमेर सेक्शन का, और मॉर्निंग में 9 बजे से निरीक्षण कर रहे हैं, और उसके लिए हेडक्वार्टर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के सारे ऑफिसर्स जयपुर से और अजमेर डिवीजन के DRM और उनकी पूरी टीम और सभी लोग जो है इंस्पेक्शन हर पहलू का कर रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी का हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ का हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हो, लोगों से इंटरेक्शन का हो, फाटक का हो, RUB का हो, तो ट्रैक का इंस्पेक्शन है, ब्रिज का इंस्पेक्शन है, लिमिटेड हाइट सबवे का इंस्पेक्शन है, सभी जगह पूरा किया। और इतने सारे अफसर्स की टीम है, हम कहीं भी औचक निरीक्षण के लिए रुक जाते हैं और सारी टीम हमारी चली जाती है अपने अपने क्षेत्र का इंस्पेक्शन करके, और उसमें जो भी चीज़ों में लगता है कि हमें इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसमें सुधार की ज़रूरत है, उस पर फिर सारे सजेशंस भी लोगों के ले लेते हैं, हम लोग भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तदनुसार उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, 2 साल कोविड को देखा है हिंदुस्तान ने, रेलवे ने भी बहुत बुरी तरह भुगता उसको, ऐसे स्थिति में कुछ लोगों को रेल की आहट भी नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब वापस रेल का संचालन शुरू हो गया। आपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल VC भी किए, सर क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए? देखिए, जो VC करते हैं, सेफ्टी का इंटरेक्शन करते हैं, ये तो हमारा 24 आवर्स है। जैसे ट्रेन 24 घंटे चलती है, हमारी सेफ्टी भी 24 घंटे चलती है। आजकल तो लोको पायलट भी के साथ में हम लोगों के इंस्पेक्टर जाते हैं, पॉइंट्समैन दिन रात काम करते हैं, स्टेशन मास्टर दिन रात काम करते हैं, जो भी काम कर रहा है वो सब सेफ्टी से ही संबंधित है और उनके ऊपर हम लोग निरीक्षण भी करते रहते हैं, उनको कायदे कानून भी समझाते रहते हैं और आगे ये भी देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार हो सके। जैसे अभी हम लोग यहाँ यही डिस्कस कर रहे थे, अभी आपने देखा है क्लैंप से एक नॉर्मल टर्नआउट स्विच होते थे, अब थिक वेब स्विच है, यहीं उसी भी चीज़ पर चर्चा हो रही थी कि उसमें उसकी क्लैंपिंग कैसे की जाए, उसमें क्या किया जाए, क्योंकि थिक वेब स्विच जो है बेटर वर्जन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंस्पेक्शन पे भी चर्चा करते हैं, अपने VC में भी चर्चा करते हैं और बोर्ड से भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सर, पुष्कर मेड़ता अजमेर कोटा चौथ का बरवाड़ा लाइन पेंडिंग है, आप कारखाने के निरीक्षण पर आए थे, आपने कहा बजट का इंतजार करिए, सर बजट का इंतजार भी हो गया, सर अब बताएं। सर देखिए, जो बजट में जो स्वीकृत होकर आया है वो हमने बजट के बाद में पूरी VC प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सारे किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा दिया गया है वो सारा डिटेल में बताया गया, और जो प्रोजेक्ट न्यू लाइन के हैं जो स्वीकृत हो गए हैं या जिनमें पैसा मिल गया है वो भी हमने बता दिया गया,
कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि राज्य सरकार की भागीदारी के साथ होने थे, उसमें आगे बात अभी नहीं बढ़ पाई है, वो भी हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे हर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिटेल ऑलरेडी दे दिए हैं। पुष्कर रहता है सर, टूरिज्म बढ़ा जाता है, ये आपके सुझाव हैं, ये सब हम लोगों को हमने बोर्ड भी अवगत करा दिए गए, इस पर बातचीत हो रही है। सर मदार और दोराई स्टेशन है सर, सैटेलाइट स्टेशन बनाना था सर, अभी इनका उपयोग उस लेवल से नहीं हो रहा था, इनका उपयोग बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना सर? देखिए मदार से हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चलता है और दुरई का है, वो हर स्टेशन की कार्य योजना है, हर स्टेशन का हम लोगों के पास एक डिटेल होता है, खाका जिसको कहते हैं, उसमें क्या पैसेंजर की सुविधाएं हैं, क्या उसमें कॉमर्शियल सुविधाएं हैं, कैसे उसकी कनेक्टिविटी है। बल्कि ये जो हमारा रूट है अजमेर लाइन वाला, इसके पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी चलता है, इससे ट्रेनों का एक दूसरी जगह आवागमन, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर जिसे कहते हैं, गुड्स ट्रेन का, वो भी सब रखते हैं। जो मदार पॉइंट है अब तो इलेक्ट्रिफाई भी हो गया है, वहाँ पर TSS का आना, तो सारी बहुत डिटेल में है, हम इतने डिटेल में स्टेशन वाइज स्टेशन तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सब लोग उसके ऊपर। सर अजमेर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात चल रही थी सर, अब अजमेर को अभी तक हुआ नहीं है सब कुछ, आगे क्या अजमेर को लेकर योजना है बड़ी? सारे धीरे धीरे, देखिए हर चीज़ क्रमबद्ध तरीके से चलती है, एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं ली जाएंगी, अभी जो क्रमबद्ध तरीके से चले गए हैं उसमें देखिए, यहाँ से एक उदयपुर स्टेशन लिया गया है, एक गांधीनगर जयपुर है, फिर अगले नंबर पे जयपुर भी आ रहा है, फिर आगे और भी स्टेशन हैं, सब पाइपलाइन में है, एक एक करके सब लिए जाएंगे। और स्टाफ क्वार्टर्स को लेकर के बजट देने जा रहे हैं, हालत देखिए, रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स के लिए हर साल हमारे बजट आता है, और इस साल भी बजट आया है, उसका जैसा पिछली बार लोगों से सजेशंस मिले हैं, उसकी एक टीम गठित करके जो इस साल बजट आया है उसके अनुरूप उस पर काम किया जाएगा, चलेंगे। रेलवे का स्लोगन है संघर्ष, सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति योगदान। कोविड से पहले बहुत सारी रियायतें रेल यात्रियों को हुआ करती थी, जिनमें सीनियर सिटीजन्स भी थे, लेडीज़ भी थी, वो बंद हो चुकी हैं, क्या वापस शुरू करने की? धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मलिसी की तरफ आ रही हैं, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ट्रेन्स भी मोर देन 90% आ गई हैं, बहुत सारी ट्रेनों में GSB लगने शुरू हो गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तो अमूमन हमने जितनी भी हमारी अपने जोन की ट्रेन थी करीब करीब सब में GS लग गया है, बाकियों में भी आज भी सीनियर हमारे कॉमर्शियल के ऑफिसर्स थे, लोगों के सुझाव थे, वो सब लिए हैं, उसमें GS का लगाना, MST का लगाना, बाकी ट्रेन का चलाना, वो सब क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, बेड रोल देना, खाना देना। और जो आप फेयर्स की बात कर रहे हैं, जितने पहले स्पेशल फेयर्स थे, हॉलीडे मेला स्पेशल फेयर, सब मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो गए, और बाकी भी आने वाले समय में जैसे जैसे नॉर्मलिटी होगी सब चीज़ें ठीक होंगी।